silence. हरागी जी मैं बोलूंगा फिर आइएगा। अच्छा ये डूब कर रहते छुपे भाई हैं, लेकिन पुलिस वाले को पैसे आसानी से न दबा पाओगे दादा, अरे बता रही तो मैं। आए हाय राकेश जी त्रिपाठी, हाँ त्रिपाठी लेट हो गए। मनमोहन ये जल्दी हुआ जा। ये तो बुरी ठोकर कैसे लगी? हाँ एक सेकेंड है, एक सेकेंड। वो आदमी तो बिल्कुल भूरी ढोकर ये सुन लगो। अरे वो दादा तो का चल रहा हो? अरे खोला यार, ते पगलन कैसे खड़े सोचो जमुना बज रही। अरे खोलो यार, ये किस टाइप के लोग हैं सारे? अरे दादा खोलो, अरे हद। होल्ड 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 होल्ड, हाँ कंपोज कर लो आराम से। हाँ वेट आस पे वेट। हाँ अंदर वाला कैमरा तो क्या बदतमीजी? अच्छा बदतमीजी खुद कर रहे हैं, खुद समझ रहे हैं? बदतमीजी आप कर रहे हैं, इतनी देर से आप दरवाजा नॉक कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोग। तुम अगर इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हो तो सब खटखटाने के बाद खोल का ही ना रहे। दरवाजा हमारा है, हमारा मन करेगा हम खोलेंगे, हमारा मन करेगा हम नहीं खोलेंगे। होते कौन है बोलने वाले? देखो भैया विभूति, हमें यार तुमसे बहस ना करनी, तुम एक काम करो पूरे डोकर को बाहर निकालो। कौन पूरे डोकर? कौन पूरे डोकर? भाभी अंगूरी के पूज्य पिताजी पूरे डोकर। भाभी जी के पूज्य पिताजी यहाँ पर क्यों? हमने अबे खटखटाओ ना जब तो पूरे डोकर ने दरवाजा खोलो तो हमें देखते हैं, बंद कर लो। आप झूठ बोल रहे हैं। क्या सॉरी क्या? आप झूठ बोल रहे हैं। दरवाजा आपने नॉक किया, दरवाजा मैंने खोला। अरे वो तो साक्षात हमें भी देख रहा हूँ, सतों के आगे हमने खटखटाओ तो तुमने खोलो, लेकिन बाकी पहले भी हमने खटखटाओ तो तब तुम ना आते, तब भूरे डोकर आए हमें देखो दरवाजा बंद कर लो। जब भूरे डोकर है ही नहीं हमारे यहाँ तो दरवाजा क्यों खोलेंगे? जब भूरे डोकर हमारे यहाँ है ही नहीं दरवाजा कैसे खोलेंगे? सोचने वाले का गुनिया सोचने वाली बात है, तुम हमें का मतलब ऐसी समझ रहे? जो भर दी हमने फ्री फंड में पंजीरी बांटने के लाने पहनी का, हमारी यहाँ के देखो धोखो न खा सकती भाई, बिल्कुल भाई होते उन्हीं की कपड़े जैसे पैसे सारो हेलमेट चिपको तो भाई आए हमने खटखटाओ हमें देख के भाग गए तुम दबा के अंदर। वो हाँ यहाँ से लेते हैं। हेलो, अब उस दिन की दरवाजा मैंने खोला, आपने मुझे देखा ना? ना भी आप आती हैं ऐसे? अगर हमने जब खटखटाओ आप आती? जी मैं ही थी। आपने जो बोली मैं हेलमेट का ही पहनू? मैं आपको लाखों अरे बोली मैं हमें मतलब हमें आगे बैठे दुनिया के मामले में सारे धोखों खा जाए, लेकिन आपके मामले में हम धोखा ना खा सकते। आपको तो हम करोड़ों की भीड़ में पहचान ले। अप्पू सिंह जी इस बार आपने धोखा खा लिया। दरअसल बात यह है ना कि आपके दिमाग में गोरे अंकल की तस्वीर घूम रही है, तो आपको हर बार गोरे अंकल
अब आई मैं थी दरवाज़ा खोलने और मैंने हेलमेट और चश्मा भी पहन रखा था। हाँ शायद ये मफलर हेलमेट चश्मे को देख कर आपको लगा कि भूरे अंकल ने दरवाज़ा खोला। अब चकरा गए। लेकिन एक बात हमें समझ में ना आ रही कि आप मतलब हेलमेट काहे पहने। हाँ ये लाइन से लेते हैं स्माइल। आप अगर कह रही हो तो हमें बात आपकी माननी पड़ेगी, सही बात है। लेकिन हमारी एक बात समझ में ना आ रही, आपने जो हेलमेट काहे पहना? हेलमेट पहनना गुनाह है क्या? हेल्थ एंड सेफ्टी। हमने कहीं गुनाह है? ना तुम बताओ, हमने कहीं का एक बार गुनाह है? पूछ क्यों रहे? लेकिन घर में हेलमेट पहने हैं तो मतलब देख के हमें थोड़ी हमें कह सकते को भी अजीब लगे हो ना, मतलब अजीब लग रहा होगा। स्कूटर देख तो ना, वो गाड़ी स्कूटर बाहर अंदर वाला था ना आपका, क्या बाहर चला रही थी? मैं स्कूटर चला रही थी। लेकिन गोरी में घर में स्कूटर काहे चला? अगर आपको इतना ज्यादा मन मतलब कर रहा हो स्कूटर चलाने को तो चलाओ, बाहर चलाओ, बल्कि दो चार को ठोंक भी दो तो हम जिंदा बैठे, हम कसम खा के कह रहे एक को केस ना होने देंगे, गारंटी है। That's so sweet of you, Bhabhi ji. लेकिन मैं स्कूटर घर में चलाती हूँ। जो क्या सो स्कूटर है सोसा, जो घर में चलाओ जा तुम्हें? स्पेशल स्कूटर। तुम्हारा ना दी तो है? अच्छा गोरी मैम, लेकिन स्कूटर स्कूटर देखना रहो नहीं घर में। हाँ यहाँ से लेते हैं। लेकिन गोरी मैम स्कूटर दिखाई तो देना रहो अंदर। सही है, ओके। साइलेंस। अनीता मैम आपका कंटिन्यूअस टू शॉट चलेगा, रेडी रोल। लॉन्डे लॉन्डे तू कितना अच्छा है, कितना स्वीट है तू, काश तू मुझे पहले मिला होता। ये सब बात छोड़िए, वो तो इस बार हमने संभाल लिया। गनीमत है कि वो हेलमेट और चश्मा हमारे पास पड़ा हुआ था। ऐसा जैसे लॉन्डे लॉन्डे तू कितना स्वीट है, कितना अच्छा इंसान है तू, काश तू मुझे पहले मिला होता। अंकल जी ये सब छोड़िए, वो तो गनीमत है कि हमारे पास ऐसा हेलमेट और चश्मा निकल आया, तो हमने बात संभाल ली। बहुत ही कहानियां पुलिस ऑफिसर है, वो जरूर फिर से आएगा। क्या करें बेटा, आएगा लगता आ गया, बेटा आ गया, आ गया बेटा। कुछ भाभी जी जस्ट काम डाउन, बैठिए, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स भाभी जी, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट काम डाउन भाभी जी, जस्ट डेडू कहाँ है? सॉरी आपको गलत फहमी हुई कि मैं आपके डैडू को लेके आया हूँ अपने साथ। हमको कौन गलत फहमी ना हुआ?
हाँ भाभी जी, मतलब मैं तो लड्डू को लेके आया ही नहीं आपने साथ, आप क्या बात कर रही हैं? मैं कहाँ आपका आंख मार रहा हूँ जी? ये अभी हमको आंख मारे रहे हैं। हाँ। नहीं तो भाभी जी, थोड़ा इससे मैंने आंख पर नहीं मारी आपको। हैं फिर मारे? ये क्या बदतमीजी है भूम जी, आप हमारी बीबी को आंख कहाँ मार रहे हैं? अरे भाभी जी, आपके दिमाग में गंध भरा हुआ है या कोई किसी को आग नहीं मार रहा है? What are you saying? अच्छा भाभी अंगूरी साफ साफ कह रही है, भाई तिवारी कह रहे हैं कि आंखें मार रहे हो दूसरे का, कैसी बात कर रहे हो? सुबह से मेरी और बेबू की आंख फड़क रही। हाँ, मेरी भी फड़क रही सुबह से। अंगूर जी, आप थोड़ा गलत फहमी हो गई। और जहाँ तक आपके डैडू का सवाल है ना, वो यहाँ हमारे घर में नहीं है। तो फिर कहाँ गए हो? हम समझ रहे, एक काम करो भाभी अंगूरी, आप पहले तो रिपोर्ट लिखवाओ, मतलब भूरे काका की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाओ, और जॉन पे शक हो बाबू नाम भी लिखवा सकता हूँ। हाँ चलिए रिपोर्ट, हाँ चलिए रिपोर्ट लिखिए। भाभी जी, कोई रिपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास गए होंगे, आ जाएंगे। और फिर से हमको आंख मारे हैं? काफी देर से आपकी आंख फड़की नहीं ना, इसलिए काफी देर से आपकी आंख फड़की नहीं ना, इसलिए पूछ लिया। अरे अंकल जी, बाहर आ जाइए। गए वो लोग? गए? अभी बुला रहा हूँ आपको। ठीक है, शुक्र है, पूछ लिया, शुक्र है बेटा। लौंडे, मैं सही कहता हूँ, तू काश काश मुझे पहले मिला होता बेटा, काश। हो गया, प्लीज बैठ। घर पे विभूति जी के घर पे आ रहे और देख रहे कि मिले कि नहीं दादू जी, तो क्या उस पर बोलना है? दादू नहीं, डैडू हैं वो मेरे। हाँ, मेरे पापा किसी रीज़न से छुप रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसा वैसा लिया हुआ है, और हप्पू सिंह जी मदद कर रहे हैं उनको ढूंढने में, तो यही सारा रायता फैला हुआ है। तो विभूति जी अपने घर में क्यों छुपा कर रखे, उनका क्या रीज़न क्या है कि अपने घर में छुपा कर रखे? इसलिए छुपा के रखा हुआ है कि बिकॉज वो अंगूरी के डैडू हैं, तो बिकॉज विभूति अंगूरी जी से सेटिंग करना चाहता है डैडू के थ्रू। डैडू बार बार बोलते रहते हैं उसको, तू अगर बेटा पहले मुझे मिला होता, पहले मुझे मिला होता, तो ये समझता है कि अगर पहले मिला होता तो शादी करा देता अभी अंगूरी से अपने। इसलिए उस लालच में उसने बाप को रखा हुआ है इनके। तो अनिता जी कहीं ना कहीं बहुत परेशान है उनके खाने पीने से, तो फिर उसके बारे में? अनिता की परेशानी, अनिता से बात करिए। मैं तो खुश हूँ, डैडू को दारू पिला रहा हूँ, खूब उधार मांग मांग के लोगों से खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, ऐश करा रहा हूँ, और बुड्ढा भी ऐश कर रहा है हमारे पैसों का। चलिए रेडी।